सत श्री अकाल जी, मैं सिद्धू लेके हाजिर हाँ टॉप 20 न्यूज़ एंड दिस ब्रिटनी स्पॉन्सर्ड बाय तोबा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड एक्नॉक्स लॉजिस्टिक्स। ट्रूडो ने कनाडा फर्स्ट नीति का किया ऐलान। भारत ते कनाडा के विगड़ते रिश्तों दरमियान पीएम ट्रूडो ने कनाडा फर्स्ट नीति का ऐलान कर दिता है। रिपोर्टों के अनुसार कनाडा च इस नीति का सब तो ज़्यादा असर उत्थे रहने वाले भारतीयों पर पवेगा। इस नीति का ऐलान करते हुए ट्रूडो ने कहा है कि कंपनियों को हुण नौकरियों च कनाडाई नागरिकों को पहल देनी पवेगी। जदों कोई कंपनी किसी विदेशी नागरिक को नौकरी ते रखती है तो उसनूं पहलां ही दसना होगा कि उन्होंने उस नौकरी लिए कोई ढुकवां कनाडाई नागरिक नहीं मिलिया। उत्तरी गाजा च इजरायली हमले च 22 लोगों की मौत। उत्तरी गाजा ते इजरायल वालों किए गए हमलों च घट्टो घट्ट 22 लोग मारे गए हैं। फलस्तीनी मेडिकल अधिकारी ने जानकारी दी। गाजा के सेहत मंत्रालय की एमरजेंसी सेवा ने कहा है कि देर रात उत्तरी शहर बीत लहिया च हुए हमले च मारे गए लोगों में 11 औरतां ते 2 बच्चे शामिल है। ओवन च चुलस के मरी पंजाबी लड़की के परिवार की मदद लिए लोग आए अगे। हफ्ता पहला कनाडा के पूर्व तटी सूबे नोवा स्कोशिया के सैलानी शहर हैलीफैक्स स्थित वालमार्ट स्टोर च काम करती 19 साल गुरसिमरन कौर की पेट भरी हालत च बेकरी के ओवन च चुलसन मगरों मौत हो गई है। गुरद्वारा सभा ने गो फंड राही लोगों तो पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील की, जिस तहत 10 घंटिया 1,95,949 डॉलर इकट्ठे हुई है। रकम उम्मीद तो 4 गुना वध होने कारण प्रबंधकों को फंड रोकना पिया। ऑस्ट्रेलिया च 2 जहाज़ों की टक्कर। सिडनी के दक्षिण पश्चिम विच 2 हल्के हवाई जहाज़ हवा च टकरा के एक जंगली खेतर में डिग गए, जिदे च 3 लोगों की मौत हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस, फायर फाइटर्स ते एंबूलेंस दल सिडनी तो लगभग 55 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित अर्ध पेंडू खेतर च 2 मलबा स्थानां ते पुजे। टक्कर तो बाद जहाज़ नूं अग लग गई है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के कार्यकारी सुपरडेंट टिमोथी कैलमैन ने पुष्टि की है कि 2 लोगों नूं ले जा पाकिस्तान चो हमले दौरान 6 कर्मचारियों सने 8 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे विच एक पुलिस चौकी निशाना बना के किए गए हमले च कानून लागू करने वाली एजेंसियों के 6 कर्मचारियों समेत घट्टो घट्ट 8 लोगों की मौत हो गई तो कई जने जख्मी हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार यह धमाका अफगानिस्तान की सरहद न लगते उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले की मीर अली तहसील च असलम चैक पोस्ट से हुए है। सूत्रों ने दस्सिया कि 3 पहिया वाहनों से सवार हो के आए हमलावरों ने चैक पोस्ट से सुरक्षा बलों के वाहनों को टक्कर मार दी है। इजरायल का हवाई हमला 36 फलस्तीनियों की मौत। भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजरायल गाजा से लगातार बमबारी कर रहा है। इजरायली फौज ने खान यूनिस शहर पर हमला किया है, जिथे एक शरणार्थी कैंप को निशाना बना के किए गए हमले च घट्टो घट्ट 36 फलस्तीनी मारे गए हैं। हमले च 50 तो वध लोग जख्मी हुए हैं। मरने वाले 13 बच्चे ते कई औरतां शामिल है। इस हमले तो बाद इजरायली फौज ने भी बयान जारी किया। इस बयान च दस्सिया गया है कि चेतावनी जारी करने तो बाद हमास के लड़ाकियों को निशाना बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय पलाट स्टेशन तो 4 पलाट यात्री धरती ते परते। अंतरराष्ट्रीय पलाट स्टेशन ते 8 महीने बिताने तो बाद 4 पलाट यात्री धरती ते वापस परत आए हैं। और 2 महीने पहला ही परतन वाले सी। हालांकि बोइंग स्टारलाइनर च समस्या ते तूफान मिल्टन कारण उन्होंने परतन च देरी हुई है। क्रू मैंबरों को लैके स्पेस एक्स नूं कैप्सूल मैक्सीको की खाड़ी च उतारे। इहदे विच 3 अमरीकी ते 1 रूसी पलाट यात्री शामिल सी। ईरान की जेल च बंद नोबल शांति पुरस्कार जेतू नरगिस दियां वधियां मुश्किलां। नोबल शांति पुरस्कार जेतू नरगिस मोहम्मदी दियां मुसीबतां खत्म होने का नाम नहीं लै रही। उसनूं एक बार ईरानी अधिकारियों ने 6 महीनों की वाधू कैद की सज़ा सुनाई है। मनुखी अधिकार कारकुन नरगिस लिए मुहिम चला रहे समूह फ्री नरगिस अलायंस का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मोहम्मदी नूं हुक्मां दी उलंघना करन ते हुक्मां दा विरोध करन लई 19 अक्तूबर नूं 6 महीने की वाधू कैद की सज़ा सुनाई गई सी। पाकिस्तान च इस साल पोलियो के 41 मामले आए सामने। पाकिस्तान च पोलियो के 2 नवे मामले सामने आए तो ये इस साल देश में इस घातक इन्फेक्शन पीड़ित मरीजों की गिनती बढ़ के 41 हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार वीरवार ते शुक्रवार नूं दोनों में मामले सामने आए। विश्व पद्धर ते 24 अक्तूबर नूं पोलियो दिवस वजों मनाया जांदा। बलूचिस्तान ते खैबर पख्तूनख्वा सूबे च सामने आए दो मामले पोलियो वायरस नूं खत्म करने देश दे यत्नां नूं झटका है। संसद का विशेष सैशन 26 नवंबर को सद्या। भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मौके 26 नवंबर को संसद का विशेष सांझा सैशन बुलाया जा सकता है। लोक सभा ते राज्य सभा की मीटिंग संविधान सभा के केंद्रीय हाल में हो रही है, जिथे 26 नवंबर 1949 संविधान अपनाया गया सी ते 26 नवंबर 1950 लागू होया सी। इस तो पहला हर साल 26 नवंबर को कौमी कानून दिवस वजों मनाया जाता सी। सोनिया विहार च जल बोर्ड का प्लांट बंद। देश की राजधानी दिल्ली में जल बोर्ड द्वारा मुरम्मत लई सोनिया विहार वाटर प्लांट नूं बंद करने कारण कई खेतरां च पानी की सप्लाई च विघन पै सकदा है। अधिकारियों अनुसार NDMC के कुछ खेतरां में पानी की कमी की समस्या पैदा हो सकती है। NDMC ने इस दौरान लोगों को पानी की वरतों सावधानी नाल करन दी अपील की है। अधिकारियों ने दस्सिया कि पानी की सप्लाई की आर्जी समस्या कारण लोगों को पानी स्टोर करन ते रोजाना के कामां विच इस दी वरतों सावधानी नाल करन दी लोड़ पवेगी। सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा नाल कीती मुलाकात। पंजाब च DAP खाद के मुद्दे ते मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा नाल मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने JP नड्डा नूं अपील की है कि पंजाब को DAP की हुण जरूरत है तो सप्लाई दी जाए, जदों कि बाकी सूबे च बिजाई देरी नाल हुंदी है तो उन्होंने थोड़ा रोक के दी जाए। केंद्रीय मंत्री नाल मुलाकात तो बाद मीडिया नाल गलबात करदे सीएम मान ने कहा कि पूरे देश च पंजाब कणक च करीब 50% का योगदान पाता है। पंजाब च झोने की खरीद ना होने कारण केंद्र ते सूबा सरकार विचाले रेडका बरकरार है। इस दौरान भाजपा की सीनियर आगू ते केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पत्रकारों नाल गलबात करदे झोने की खरीद ना होने लई आप ते मुख मंत्री भगवंत सिंह मान नूं जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अजिहा पहली बार होया जदों सूबा सरकार के गलत फैसलों का खमियाजा किसानों नूं भुगतना पै रहा है। फरीदकोट चो विधायक DC ते SSP वालों खरीद केंद्रों का दौरा। हलका जैतो के विधायक मोलक सिंह, DC फरीदकोट विनीत कुमार ते SSP फरीदकोट डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने प्रमुख अनाज मंडी तो इलावा देहाती खरीद केंद्रों का दौरा किया है। इस मौके खरीद एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने झोने की खरीद, लिफ्टिंग ते अदायगी के प्रबंधों संबंधी जानकारी लैन लई किसानां, आड़तियां, मजदूरां ते शैलर मालकां नाल गलबात की है। मीडिया नाल गलबात करदे विधायक मोलक सिंह ने खुलासा किया कि उच्च अधिकारी ने तालमेल राही झोने की खरीद, लिफ्टिंग नाल संबंधित समूह समस्यावां हल कर लईआं है ते 1-2 दिनां विच लिफ्टिंग दा काम होर तेज हो जावेगा। आप आगू प्रितपाल शर्मा भाजपा च शामिल। भाजपा ने आम आदमी पार्टी नूं वड्डा झटका दिता है। पिछलियां चोणां च गिद्दड़बाहा तो आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार रहे ते मार्केट कमेटी गिद्दड़बाहा दे चेयरमैन प्रितपाल शर्मा भाजपा च शामिल हो गया है। केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा पंजाब के जनरल सकत्र अनिल सरीन ते सूबा मीडिया मुखी विनीत जोशी की मौजूदगी में प्रितपाल शर्मा ने समर्थकों समेत भाजपा का पल्ला फड़िया है। संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट मीथियर की डेंगू कारण सेहत बिगड़ी। संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट गुरमीत सिंह मीथियर नूं फोर्टिस हस्पताल मोहाली दाखिल करवाना पिया है। दस्सिया जा रहा है कि मीथियर 19 अक्तूबर तो डेंगू पॉजिटिव होने कारण बरनाला विखे अपनी रिहायश ते जेर इलाज है। बीते कल उन्हां दे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा घट गए है, सेहत थोड़ी बिगड़ गई है, जिसके कारण उन्होंने मोहाली फोर्टिस हस्पताल दाखिल करवाना पिया है। मानहानि मामले च अदालत च पेश हुए साबका कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया मानहानि मामले विच अदालत च पेश हुई है। हुण इस मामले की अगली तारीख 22 नवंबर रखी गई है। अदालत च पेश होने तो बाद साबका कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि इस मामले विच हुण तक 109 पेशियां हो चुकी हैं। आप दे राज्य सभा मैंबर संजय सिंह सिर्फ 4 बार ही पेश हुई है। मलविंदर सिंह माली की रिहाई लिए प्रदर्शन भलके। साबका विद्यार्थी आगू ते चिंतक मलविंदर सिंह माली की रिहाई लिए 28 अक्तूबर नूं किसानां, मजदूरां, बुद्धिजीवियों ते जमहूरी संगठनां वालों रोस प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंधी जानकारी दिंदे जमहूरी अधिकार सभा के आगू जगजीत सिंह पटाल ते फलजीत सिंह सकरौंदी ने कहा कि सियासी आलोचक ते टिप्पणीकार मलविंदर सिंह माली नूं भगवंत सिंह मान ने धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउंदे झूठे केस 'च 16 सितंबर नूं गिरफ्तार कर लिया सी। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ 25 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ 52 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। किसानों वालों चक्का जाम करके सूबा ते केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी। संयुक्त किसान मोर्चे के सदे ते वाकवा किसान जथेबंदियां वालों खन्ना दी गुरु अमरदास मार्केट के सामने जरनैली सड़क नूं 11 तो 3 बजे तक जाम करके सरकार खिलाफ जोरदार रोस प्रदर्शन करदे नारेबाजी की गई है। इस मौके भारतीय किसान यूनियन के सीनियर आगू बलबीर सिंह राजीवाल ने मौजूदा सरकार दीयां खेती नीतियां नूं पंजाब लई घातक करार दिंदे कहा है कि सारे वर्गां दे लोक सरकारी जोबर खिलाफ सड़क ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।